एंड डेफिनेटली एलविश ने उतना दमदार गेम किया। वाइल्ड कार्ड ने हिस्ट्री में हां 17 साल में मैडम बिग बॉस सिस्टम जीत गया। इधर देखो और एलविश और फुकरा तो मैंने अभिषेक से सुबह बात की, वो हॉस्पिटल में थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो दिल्ली के लिए अभी निकल रहे हैं, पर उन्होंने कहा मैं बॉम्बे जल्दी आऊँगा एंड साथ में खूब पार्टी करेंगे। तो उनकी एक्चुअली हालत ख़राब है, तो डेफिनेटली बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ, दोनों डिजर्व करते थे डेफिनेटली, इसे टॉप टू तक पहुँचे। बट मैं तो फुल पावर सपोर्ट अभिषेक को ही कर रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एलविश भी इक्वली डिजर्व करते हैं। पलक जी इधर, घूम जाओ ना जरा, चले वो साइड। पलक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रुकना भाई पीछे, ये लाइट कौन कर रहा है? अरे लाइट किसके? लाइट पे से मेरे बात ऊपर बैठा मैं कर रहा हूं। बेटा सेंटर में देखो, सेंटर बेटा, इधर सामने देखो ना, सामने सामने सामने, इधर इधर। ए आगे वाला सेंटर कैमरा पीछे बेटा, पलक पहचानने का मेरे को मैडम। बिग बॉस सिस्टम जीत गया। इधर देखो सेंटर में, आप कितना खुश है सिस्टम? सामने देखो ना, सामने सामने मैडम, सामने पलक जी, इधर इधर। पलक जी सिस्टम से कितना खुश है आप? सिस्टम से मैं बहुत खुश हूँ, दोनों डिजर्व करते थे डेफिनेटली, इसे टॉप टू तक पहुँचे। बट मैं तो फुल पावर सपोर्ट अभिषेक को ही कर रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एलविश भी इक्वली डिजर्व करते हैं। लेकिन लेकिन आपको लगता नहीं कि वाइल्ड कार्ड ने हिस्ट्री में? हाँ 17 साल में पहली बार ऐसा टेलीविजन में। बिकॉज आई थिंक हम सब लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम वाइल्ड कार्ड में जाएंगे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो इस बार एटलीस्ट वो चीज ब्रेक हो चुकी है एंड डेफिनेटली एलविश ने उतना दमदार गेम खेला था। तो अभिषेक का क्या? अभिषेक भी जीत गए अंदर चले। पलक जी, पलक जी, पलक जी, ऑडियंस का मानना है कि अभिषेक भी जीत सकता था। अरे ये तो बोल दिए, इधर ही पहले इधर, अभिषेक भी डिजर्व करता था। अरे रुक ना, बोलने बोलने। हाँ अरे देखो कैमरा देखो, पलक जी इधर, घूम जाओ ना जरा, चले वो साइड। पलक जी अभिषेक भी जीत सकता था डिजर्व। नहीं रे भाई मैडम, वो संजीत घूम जाओ, बोल बोल बोल। आराम जी, अभिषेक भी डिजर्व करता था। हाँ चलते चले, हाँ मजा आएगा, मजा आएगा। बोलो बोलो, अरे किधर से लेके गया? तो बस एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रही हूँ सबके लिए। मेरा थीम मैंने अर्थ ही रखा है, व्हाइट बेज एंड ब्राउन कलर्स में आप सबको देखोगे। अभी कौन कौन आने वाला है गेस्ट में? मेरे काफी फ्रेंड्स आ रहे हैं, सिमरन, तनुज विरवानी, देन आकांक्षा इज कमिंग, जैड इज कमिंग, फलक को इनवाइट किया है, सबको इनवाइट तो सब किया है। फुकरा तो मैंने अभिषेक से सुबह बात की, वो हॉस्पिटल में थे, उनकी तबीयत काफी खराब है, वो दिल्ली के लिए अभी निकल रहे हैं, बट उन्होंने कहा मैं बॉम्बे जल्दी आऊंगा एंड साथ में खूब पार्टी करेंगे। तो उनकी एक्चुअली हालत खराब है, तो डेफिनेटली आप जाते क्या मिलने उनसे? सो या दैट इज समथिंग दैट चलो चलो, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलो मैं चलने दे, मैं ग्रुप में जाता हूं, मुझे चलते रहिए, चलते रहिए, आते रहिए आप लोग। अरे मैं अभी मेरे सब भी पाइप पर कैसे गिर गए, पाइप पर की जगह पे आ गए। लग लल्लू की ब्यूटी बोलते हैं ना, क्या लग 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 अपने लग पर डिस्क्राइब कर लल्लू की ब्यूटी, लल्लू की ब्यूटी जाओ ना सुने। मेरे पास बहुत आगे ले रहा मोबाइल ले रहा है, मेरा मोबाइल थोड़ी आगे ले रहा है, मेरे पास सेटअप किया हुआ है। पलक जी पूजा जी के बारे में तो कुछ बोलो। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑब्वियसली शी मेड इट इन टॉप 5।
मैंने एक्सपेक्ट तो किया था बिकॉज वो काफी स्ट्रॉन्गली खेल रही थी. बाकी मेरा फेवरेट तो अभिषेक ही था. और रानी? रानी भी, मनीषा डेफिनेटली. मैंने हमेशा से कहा है मनीषा, रानी, अभिषेक, मैं उनको देखती हूँ टॉप थ्री में. पूजा जी आ रहे हैं ऊपर देखो कौन खड़ा है. चुहा हाँ अमृता कट कर चले आगे. हाँ चलो 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 भाई संचित भाई चलो आगे यार. चलो ये बलून लेके खड़ा है. बलून गिफ्ट दे दे हाँ दे दे. हाँ पूछो 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 यहीं पे करेंगे. अरे आप क्वेश्चन और क्या है बोलो. मोबाइल बोल 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 जी भाई आ जा भाई. अरे जी लोग बोल रहे कि अरे जी आपने बोल मारा भाई पी ले चले आगे हम कार्डो में चले जाते. आ जाओ आ जाओ देखो आप लोग के साथ केक भी काट. क्या बात है. मैं बाजू में आराम से आराम.